देखो कल्पन ने यहीं से लेफ्ट किया था। फर्स्ट एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देखो एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए आ रही है, 20,500 ट्वेंटी शेयर। थाउजेंड फाइव ठीक है, तो 20,500 इंटू क्या कर देंगे, टू, क्योंकि एप्लीकेशन पे कितने रुपए मिल रहे हैं, 2 रुपए। ये देखो चलो मल्टीप्लाई करके बताओ। 41,000। सेकेंड एंट्री क्या होगी, देखो इक्विटी शेयर, ध्यान से समझना ये वाली एंट्री। एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में भी जाएगा। आ रहे समझ में, यस मैम। तो बैंक अकाउंट में रिफंड भी जाएगा। इधर देखो यहां पर देखो ये वर्किंग नोट जो हम कल डिस्कस कर रहे थे, ये देखो ये 8,000 शेयर्स वालों को सिर्फ 25% दिया, मतलब 2,000 शेयर्स। तो इनका जो 2,000 इंटू दो कितना हुआ, 4,000 ही यूज हुआ। कितने में से, 16,000 में से। तो इधर देखो मैं कंप्लीट कर रही हूँ वर्किंग नोट, 16,000 में से 4,000 गया तो कितना बचा देखो, 12,000। ठीक है, अब देखो दिख रहा है ना स्क्रीन पे सबको। यस मैम। अब देखो फॉर अलॉटमेंट देखूं मैं तो 2,000 शेयर्स का ड्यू कितना होगा अलॉटमेंट में, 3 रुपए के हिसाब से 6,000। ठीक है, तो देखो अमाउंट कितना बचा है मेरे पास, 12,000। और अलॉटमेंट में यूज कितना हो रहा है, अगर पूरे पैसे भी ले रही हूं तो 6,000। फिर भी रिमेनिंग बच रहा है कितना, 6,000 बच रहा है ना फिर भी। तो ये किस में यूज करेंगे, कॉल मनी में। किसी को डाउट है तो पूछो। नो मैम, डाउट नहीं है। है ना, तो देखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में कितना आया अपने पास, 41,000। शेयर कैपिटल में कितना देंगे अपन, देखो यहां से काउंट करते चलो। ये वाला देखो मैं ना हाईलाइट करते चल रही हूं, या डायरेक्ट हाईलाइट करने की जरूरत भी नहीं। हम कितना दे रहे हैं, 10,000 शेयर्स को, सिंपल। तो 10,000 इंटू दो करेंगे तो ये हो जाएगा 20,000। अगर किसी को काउंटिंग सीखनी है तो यहां से सीख सकते हो। देखो ये देखो ये वाला 10,000 आएगा, प्लस ये वाला 6,000 आएगा, और ये वाला 4,000। तो हुआ ना 20, 10, 6 और 4 ही हो गया 20। अलॉटमेंट में देखो कितना जा रहा है, ये वाला 6,000 जा रहा है अलॉटमेंट में, प्लस ये वाला 6,000। तो अलॉटमेंट में कितना गया, 6 और 6 12,000। फर्स्ट कॉल में कितना जा रहा है, सिर्फ ये देखो फर्स्ट कॉल में जा रहा है ये वाला 6,000, जो येलो से हाईलाइट कर रही हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे ये 20 कैपिटल में, अलॉटमेंट में 12, फर्स्ट कॉल में जाएगा 6,000। और बैंक अकाउंट रिफंड, देखो रिफंड किस में आ रहा है, देखो ऊपर ये 3,000 रुपये ये रिफंड किया था। तो टोटल करके देखो कितना आ रहा है, 20 और 12 कितना होगा, 32। 32 और 9 41 हो रहा। तो ये एंट्री ये थी, इसमें इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट एंट्री थी। फिर थर्ड एंट्री क्या हो जाएगी, अब तो सिंपल सिंपल चलेगा।
ड्यू एंट्री बनाएंगे आप लोग, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 10,000 शेयर्स के हिसाब से अगर 3 रुपए रहेगा तो 30,000 आना चाहिए। फोर्थ एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये देखो 30,000 मिलना था, अलॉटमेंट में ड्यू कितना हो रहा था, कितना 12,000। देखो अलॉटमेंट में ड्यू कितना हो रहा है, ये 12,000। देखो अलॉटमेंट वाला मैंने एक ही पेन से हाईलाइट किया है सब जगह। तो ये हो गया 18,000। फिफ्थ एंट्री ऊपर बना रही हूं, रफ कर रही हूं मैं। फिफ्थ एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 शेयर्स हैं, कॉल मनी कितने की है, एक 5 रुपए की। ये हो जाएगा 50,000। सिक्स्थ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। तो 50,000 में से कितना मिल चुका था कॉल का, 6,000। ये देखो ये 6,000। ये 6,000। तो 50,000 में से 6,000 गया तो कितना बचा, 44,000। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। किसी को डाउट है क्या? चलो बैलेंस शीट पूछते हैं इस क्वेश्चन में। तो एक बैलेंस शीट बनाएंगे जल्दी से, प्रोफॉर्मा बनाओ, लायबिलिटीज एसेट, लायबिलिटीज एसेट करके जल्दी से। बहुत सिंपल बनेगी, आप देखो जल्दी से। चलो बनाओ तो बैलेंस शीट लायबिलिटीज एसेट, लायबिलिटीज एसेट करके। बनाया बैलेंस शीट का प्रोफॉर्मा? यस मैम। ठीक है, देखो इसमें पर्टिकुलर बनाना, ये अमाउंट का बनेगा और एक ना नोट्स का बनता है।
सपोज ये आपने लिखा यहाँ पे पर्टिकुलर, ठीक है, यहाँ लिखना नोट, ठीक, यहाँ लिखना आप लोग अमाउंट। फर्स्ट क्या है अपना, देखो पैटर्न चेंज है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज ऐसे बनाएंगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा फाइनल ईयर में क्या बैलेंस शीट बनाने का पैटर्न चेंज हो गया, ठीक है। तो पहला शेयर होल्डर फंड्स लिखना, ज़्यादा नहीं, बहुत सिंपल बनेगी, ठीक है। लिखना शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल लिखना, हाँ, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल थी, फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ रुपीज का साइन चेंज हो गया है, ऑफ रुपीज देन ईच, कितने शेयर्स थे बेटा, 10,000 शेयर्स थे ना, यस मैम, तो 10,000 शेयर्स थे, कितने रुपए वाले, 10 रुपए वाले थे, तो ये कितना आया, 1,00,000 रुपए। या अमाउंट के बाद में यहाँ लिखना इन लैक्स, है ना, अमाउंट किस में अपने पास, इन लैक्स में, बस इतना ही लिखेंगे अपन, और कुछ तो था नहीं इसमें। और एक सेकंड देना आप लोग यहाँ पे, एसेट्स, तो एक आता है नॉन करेंट एसेट्स, उसका कुछ भी नहीं था अपने पास, ठीक। सेकंड करंट एसेट्स में अपने को पूरा कैश रिसीव हुआ था कि नहीं, तो करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो बैंक अकाउंट का टोटल करो, तो सब चलो जो बैंक अकाउंट आया था उसका टोटल करो जल्दी से, जितना भी बैंक अकाउंट डेबिट में आया था उसका टोटल करो, और जो क्रेडिट में बैंक अकाउंट था उसको माइनस करो, तो जल्दी से किया सबने, देखो ऐसे प्रेजेंट करेंगे आप लोग एग्जाम में। ये रही आपकी बैलेंस शीट, है ना, पर्टिकुलर एसेट्स, ये नोट्स टू अकाउंट्स देखो शेयर किया है, ये बैलेंस शीट 1,00,000 टोटल आए हैं। ये अगर आप लोग नहीं भी देते हैं इस क्वेश्चन में तो भी चलेगा, ये मैं आपको सब ऐसे समझाने के लिए बताई हूँ, आप लोग सिर्फ ये करना, इतना बनाएंगे तो भी आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें, कोई ऐसा है क्या जिसका नहीं बना है? नो मैम, नहीं बना है, बन गया मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें, ठीक है। नेक्स्ट 50 देखो, मोहन लिमिटेड वाला, मैं सिर्फ मोहन लिमिटेड वाले का आपको वर्किंग नोट बताऊंगी, मैं सिर्फ जनरल एंट्रीज अब आप लोग को करनी है, अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं तो बहुत गलत करोगे फिर अब आप अपने साथ, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन 50 मोहन लिमिटेड वाला बता रही हूँ, वर्किंग नोट देखो, मोहन लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 10,000 समता अंशों को 5% प्रीमियम पर निर्गमित किया, तो 50,000 शेयर्स हैं, नहीं 10,000 सॉरी, टेन थाउजेंड इक्विटी शेयर्स को 100 रुपीज वाले कितने रुपये पे, 5%, तो 100 का 5% होगा 5, तो जो टोटल शेयर का अमाउंट है वो हो गया 105, ठीक। नेक्स्ट देखो, एप्लीकेशन कितने के लिए रिसीव्ड कर रहे हैं, वो 15,000 शेयर्स के लिए, एप्लीकेशन फी अब देखो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, 20 रुपीज, All desired shares were allotted to the applicant of 9,000. 9,000 अंशों के आवेदनकर्ताओं को सभी वांछित अंश आवंटित किए गए, तो जिसने 9,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसको पूरा का पूरा 9,000 क्या कर रहा है, शेयर्स अलॉट कर रहा है,
नेक्स्ट देखो, 5,000 अंशों के आवेदनकर्ताओं को 1,000, जो 5,000 के लिए अप्लाई किया उनको इसने कितना दिया, 1,000। नेक्स्ट देखो, और शेष आवेदनकर्ताओं को कोई भी अंश आवंटित नहीं किए गए, तो शेष कितने बचे, देखो टोटल हमारे पास कितने का आ रहा है, 15,000 का, और हमारे पास है कितने, सिर्फ 10,000 शेयर्स। तो देखो 9 और 5 कितना हुआ, 14, तो ये कितना बचा, 1,000 शेयर्स, तो इनको एक भी नहीं दिया, मतलब निल, ये शेयर अलॉटमेंट दिया है, ये एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ था, ये शेयर्स अलॉटेड हुआ है। नेक्स्ट देखो, आवंटन की फीस 35 रुपये प्रति अंश है, तो अलॉटमेंट कितना है, 35 रुपये, जिसमें 5 रुपए प्रीमियम का शामिल है, तो 30 प्लस 5 ये, और फर्स्ट कॉल कितने का होगा, अकॉर्डिंग टू द प्रोस्पेक्ट अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन इज मोर देन द अमाउंट ड्यू, द एक्सेस इज यूज फॉर पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल अमाउंट्स। तो अधिक की जो राशि है उसको किसमें यूज कर रहा है, आवंटन एवं याचनाओं पर, तो जो एक्सेस मनी मिला है उसको किसमें देना है, अलॉटमेंट और कॉल मनी पे देना है, और बाकी वाले को तो जो वापस कर दिया। नेक्स्ट देखो, प्रथम एवं अंतिम याचना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने का है, 50 रुपीज का, तो देखो 50 और 30 80, ये देखो, और 80 प्लस 10 100 प्लस ये हो गया 5, किसका, प्रीमियम का। बताओ कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ये देखो ये 9,000 वाले को पूरा दे दिया है, तो कोई रिफंड नहीं होगा, तो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट में कितना आ रहा है, देखो 20 रुपए का है, तो 9,000 × 20 करो जल्दी से, तो वन 1,80,000 ये किस में जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट में एप्लीकेशन का। अब नेक्स्ट देखो, ये जो 1,000 वाले हैं इनको क्या कर देगा, रिफंड कर देगा, तो 1,000 × 20 ये वापस कितना, 20,000, ये रिफंड हो गया। अब बचा ये वाला 5,000 शेयर्स वाले, इनको कितना दे रहा है, देखो ये लोग 20 रुपए के हिसाब से कितना दिए हैं, 1,00,000, इनको मिल कितना रहा है, 1,000, तो एप्लीकेशन का इनका कितना बनता है, 20,000, ठीक, फिर भी कितना अमाउंट बच गया, देखो 80,000, अलॉटमेंट में कितना बनेगा, इस 1,000 शेयर पे 35 रुपए के हिसाब से 35,000, फिर भी बच रहा है, कितना बच रहा है, देखो 45,000 बच रहा है कि नहीं, देखो यस मैम। फिर ऑन कॉल देखो, पूरा का पूरा यूज करेंगे, क्योंकि कॉल अमाउंट कितने का है, देखो 50 रुपए का, तो इन ये 1,000 शेयर्स पे 50 करेंगे तो कितना हुआ, 50,000, फिर भी कितना बच गया इनका रिमेनिंग अमाउंट, ये देखो, तो ये 45 था और इनको देना कितना था, 50, तो इनका 35 समझो आ गया। ठीक है, तो 45,000 लिखना ऑन कॉल यूज हुआ, 35,000 हुआ ऑन अलॉटमेंट, 20,000 हुआ ऑन एप्लीकेशन, लिखा सबने, यस मैम। तो इसमें इतना ही था।